खबर खंडवा से, जहां पर खंडवा में आज कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव व साथ ही साथ सचिन यादव द्वारा खंडवा में रंजीत होटल में प्रेस वार्ता को किया गया संबोधित। हम आपको बता दें कल होने वाली महासभा को संबोधित करा। खंडवा में आ रहे राहुल गांधी की आम सभा को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सिविल लाइन स्टेडियम ग्राउंड में मंच को सुरक्षित व मजबूत तरीके से तैयार करने के दिए निर्देश। देखिए आईबीएन 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। बेरोजगारी को लेकर क्या आपकी नीति? ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट इशू है कि दो लोग सड़क पर हमारे देश में, एक बेरोजगार, दूसरी हमारी गोमा, दोनों के बारे में ख्याल करनी पड़ता। देश में सरकार ने गौ माता के लिए तो व्यवस्था बनाई है, हर ब्लॉक स्तर पर कौशल है, हमारे लिए हमारा एक्शन प्लान है। बेरोजगार नौजवान को रोजगार मुहैया कराने के, स्पेशली अगर आप खंडवा स्पेसिफिक बात करेंगे, यहाँ छोटे छोटे एग्रोबेस्ट छोटी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, जिसको लेकर हम स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट उसके माध्यम से भी इससे यहाँ युवा रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं। 3 महीने में हमको आए हुए, ये आपने जो ये अपना डॉक्यूमेंट पेश किया है, इसमें आपके मैक्सिमम गोल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए आपने क्या? देखिए विजन शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है, शहर के केंद्र ऑलरेडी है, उप स्वास्थ्य केंद्र की जो सुविधाएं हैं ये बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ हेल्थ सेंटर्स को लेकर, उसको ऑब्वियसली टेकअप करेंगे, इसके बाद नेचुरली करेंगे, क्यों नहीं। हमारे यहाँ प्याज काफ़ी होता है, यहाँ पर वेजिटेबल्स का काफ़ी स्कोप है। अगर हम बरहारपुर की बात करें तो वहाँ बनाना का बहुत बड़ा सेंटर है, जो पूरे देश भर में हमारा बनाना मॉडल एक्सपोर्ट भी होता है हमारे यहाँ से। छोटे छोटे एग्रोबेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या लगाए जा सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी उसमें हम लोग कुछ नए स्कीम लेकर आने वाले हैं, जो हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कृषि से भी जुड़े हैं और स्टोरेज वगैरह पे फोकस नहीं है, कॉपरेटिव सेक्टर पे फोकस नहीं है। कॉपरेटिव तो एक जमाने में इस प्रदेश की सबसे ब्लडलाइन होगी, लेकिन 15 साल में उस कॉपरेटिव को पूरी तरह से इसमें सरकार ने नष्ट कर दिया। अब कॉपरेटिव की बात करने वाला प्रदेश में तो बचा नहीं। तो सर आप इनका इशू भी बोल रहे हैं ना?